स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सैकेंड देखो ये तुम्हें क्या होया कि त्रिभुज पी क्यू आर आ जिसे पी क्यू तो पी आर उत्ते क्रमवार बिंदु ई तो एफ दिते हुए हैं। हरेक स्थिति दे विच कहिंदे कि ई एफ समांतर है क्यू आर दे, ये तुसीं दसना मतलब कि समांतर आ रहा कि नहीं आ रहा, तीन पार्ट दिते हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन भी नाल किया, थर्ड क्वेश्चन डायग्राम दिता हुआ तुहानू, इहदे विच क्या होया कि चित्र एल एम समांतर सी बी दे अते एल एन समांतर सी डी दे, मतलब आह वाली भुजावां इहदे समांतर, ये वाली एल एन डी सी दे समांतर, तुसीं आह वाली रेशो सिद्ध करनी है, अनुपात सिद्ध करना है। सब तो पहला सैकेंड क्वेश्चन का आंसर देखो, सब तो पहला उन्होंने त्रिभुज पी क्यू आर की गल की सी ड्रॉ कर ली आप, उस तो बाद उन्होंने क्या पी जड़ा ई तो एफ बिंदु, ई बिंदु तो एफ बिंदु करम बार पी क्यू के उपर ई बिंदु है और पी आर के उपर अपने को एफ बिंदु है, ठीक है, इन्होंने मिला लिया। हम जो दिता से मैं इतने ड्रॉ कर लिया, पी ई दिता हुआ 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दिता हुआ 3 सेंटीमीटर, पी एफ दिता हुआ 3.6, एफ आर दिता हुआ 2.4। हूँ आप इन्हों का अनुपात पता कर लेना, पी ई बटा ई क्यू अनुपात कर लिया 1.3 आ गया, फिर उस तो बाद कढ़िया पी एफ बटा पी एफ आर यदा कटे आया 1.5, ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, यदा मतलब की आया दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो अपने को दोनों जड़िया रेखावान समांतर नहीं है, ठीक है, जे तो अनुपात बराबर है तो फिर समांतर आना सी, ये आप यूज़ कर रहे हैं जी मूल समान अनुपात है थिरम का उल्टा, ठीक है, वो थिरम च कि समांतर दिता हों तो अनुपात आप सिद्ध किया, ठीक है, थिरम आप रिजल्ट किया, बट ये उन्होंने कहा कि चैक आप पहला अनुपात चैक कर रहे हैं, ठीक है, अनुपात चैक कर रहे हैं तो बाद दस रहे हैं कि हाँ समांतर है कि नहीं, मतलब वो उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। हुण इहदा आ गया कि रेशो अनुपात बराबर नहीं है, इहदा मतलब समांतर नहीं है। सैकेंड थर्ड पार्ट भी तुसीं सेम इदां ही करोगे, ये ठीक है, इदां ही तुसीं डायग्राम बना के अनुपात चैक कर लेना, चैक कर लियो कि बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा, जे बराबर है मतलब कि समांतर है, जे बराबर नहीं आ रहा मतलब समांतर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन च डायग्राम के हिसाब न अपन की सिद्ध करनी आ वाली रेशो, मैं किया मैं उपर वाली त्रिभुज ए बी सी लै ली, ये ए एम बटा एम बी, ए एल बटा एल सी, मूल समान अनुपात का थिरम लगा ली, ये आप उस तो बाद इन्हें मैं उल्टा लिया, ये स्टैप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये स्टैप नहीं लाओगे तुम तो आंसर नहीं आएगा। एम बी उपर लगे ए एम नीचे ले आता, एल सी उपर ए एल नीचे ले आता, ठीक है। हुण उस तो बाद मैं दोनों साइड से एक एक जोड़ लिया, एक एक जोड़न तो बाद मैं लघुत्तम लै लिया, एम बी जमा ए एम बटा थले ए एम आ गया, तो इधर ए एल आ गया, उपर की आ गया एल सी जमा ए एल। हूँ देखो एम बी जमा ए एम, एम बी जमा ए एम, देखो दो जोड़ के आ गया ए बी, इस जगह पर आ गया ए बी बटा ए एम, तो इधर की आ गया एल सी, एल सी जमा ए एल आ गया जुड़ के ए सी, ए सी आ गया इस जगह पर बटा ए एल। हूँ इन्हें फिर उल्टा दो क्योंकि जो देखो चाहिए ए एम बटा ए बी चाहिए, अपने को ए एम थले है ए बी उपर है, इस करके इन्हें उल्टा लिया, उल्टाने बाद अपने को आ गया समीकरण एक, दोनों पास उल्टाया अपना समीकरण एक आ गई। उस तो बाद त्रिभुज थले वाली लै ली आप ए सी डी, ये भी सेम स्टैप्स लगा ले ए एन बटा ए एन डी, ए एल बटा एल सी, लाने तो बाद सब तो पहला जिदा इतने उल्टाया उल्टा कर लिया, उल्टाउन तो बाद दोनों में एक एक जोड़ लिया, सेम स्टैप्स उपर फॉलो किए आप, जोड़न तो बाद फिर लघुत्तम लै लिया, लघुत्तम लैन तो बाद रिजल्ट लाता, फिर उस तो बाद उल्टा दता, फिर हुण देखो समीकरण एक अपने कोल की है, समीकरण एक हैगी ए एम बटा ए बी बराबर है ए एल बटा ए सी, ये समीकरण एक आ पिछे जी लिखी हुई आप। हुण इहदे विच देखो इन्हां दे सज्जे पासे देखो दोनों के बराबर आ रहे हैं, हूँ जो सज्जे बराबर है तो मतलब खब्बे भी बराबर हो गए, इस करके लैफ्ट हैंड साइड्स इक्वल आ गई, बराबर आ गई, यही आप देखो क्वेश्चन से सिद्ध करना सी ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी, देखो यही आ गया रिजल्ट आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो सिद्ध ही करना, आप डायग्राम दिता हुआ ये दिता हुआ कि अपने को ए ई ए सी के बराबर आ एंड ए एफ ए ई के बराबर आ, सिद्ध जो करना अपन दिता हुआ, देखो जो भी समानता दिता तो आप कहना समान जी मूल समान अनुपात है थ्योरम ला देनी। सब तो पहला वी त्रिभुज लै ली ए बी सी, ये देखो आह वाली देखो डी ई समांतर ए सी दे, मतलब की है बी डी बटा डी ए,
बी ई बटा ई सी, ये समीकरण एक आ गई। फिर उस तो बाद देखो ये जी रेखा आ कि बराबर आ समांतर आ ए ई दे, ये मतलब त्रिभुज बी ए ई लै लिए आप ए बी ई लिख सकते हैं। ये आ गया बी डी बटा डी ए बराबर है बी ई बटा एफ ई दूसरे समीकरण। हुण इहदे विच देखो अपने कोल खब्बा पासा बराबर है तो मतलब सज्जा पासा भी बराबर आ गया, सज्जा पासा बराबर आ गया आपां ही सिद्ध करना सीगा। देखो बी एफ बटा एफ ई खब्बे पास लिखा है आपां, मैं सज्जे पास लिखा आप बी ई बटा ई सी खब्बे पास लिखा, यदा मतलब उस हिसाब लिख लो तुम इनू इस साइड लिख लो इनू दूसरी साइड ला जाओ, अपने को ही आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन च भी सेम इदा ही किया आप, उन्होंने कहा डी ई ये मतलब अलग अलग त्रिभुज आ गई डी ई समांतर क्यू दे डी एफ समांतर ओ आर दे, सीधे ही करना आप कि जी ई एफ आ वाली रेखा वो क्यू आर दे समांतर की किया आप। सब तो पहला इधर वाले त्रिभुज ला ली पी क्यू ओ दे विच पी ई बटा ई क्यू पी डी बटा डी ओ ला लिया, समीकरण एक आ गई। फिर सज्जे पासे वाली ले ली आप पी डी बटा डी ओ पी ई बटा पी एफ बटा एफ आर लगा लिया। हुण इहदे देखो सज्जे पासे बराबर आ ते खब्बे पासे भी बराबर होणगे, खब्बे पासे बराबर आ गए मतलब अपने को बराबर आ गया कि पी ई बराबर है ई क्यू पी एफ बटा एफ आर, यदा मतलब जी आ वाली रेखा है ये समांतर है, यही सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी तुम इदा का क्वेश्चन ही है, तुम ये आप करना ही थोड़ा होमवर्क है, ठीक है ट्राई करके देखिए हो जाएगा आराम क्वेश्चन। जो कोई प्रॉब्लम हुई दैन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके।